नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com और मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। आपको बता दें, भडेरा प्रधान पद प्रत्याशियों ने एसडीएम से शिकायत कर जांच टीम कराई गठित। आज भडेरा ग्राम पंचायत में बीएलओ द्वारा लिस्ट जमा होने के उपरांत 5 सदस्यों की जांच टीम लिस्ट लेकर पहुंची ग्राम पंचायत पर। आज भडेरा ग्राम पंचायत में कुछ वोटर लिस्ट को लेस करके घमासान चल रहा था। ग्रामीण लोगों की सूचना के अनुसार हम लोग भडेरा ग्राम पंचायत में पहुंचे, जिसमें गांव के लोगों से पूछा गया तो प्रत्याशी के रूप में बीपी सिंह प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, एक द्वजेंद्र सिंह वो भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, बंटी यादव वो भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, राजन सिंह यादव ये भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और राजेश यादव ये भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। सूचना के अनुसार जब यहाँ पर देखा गया तो इनके द्वारा बताया गया लगभग 130 वोट फर्जी हैं, जो आउट ऑफ गांव के बनाए गए हैं, इस गांव में रहते ही नहीं हैं, और लगभग 180 वोट ऐसे हैं जो गांव के रहने वाले हैं, गांव के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन उनको लिस्ट से वंचित कर दिया गया है। ऐसा जो यहां के प्रधाना जो बीएलओ हैं और एक पड़ोस निधौली कला का एक पड़ोस का जो गांव है उसके प्रधानाध्यापक है, उन पर इस तरीके से एक आरोप लगाया गया है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ के प्रधान पद उम्मीदवार प्लस ग्रामीण लोगों से जो अपनी अपनी बात कहने के लिए तैयार होंगे। लोग ये कहेंगे निरपक्ष आ जाए, हमारे यहाँ हमारे गांव के वोट बन जाने चाहिए, बाहर के वोट ना आने चाहिए। परंतु हमारे यहाँ किस गांव के हैं आप है? किस गांव से हैं? इसी गांव का हूँ। नाम बताए गाँव का? मेरा नाम ढेकी, गाँव ढेकी है, नाम मेरा कोमल सिंह है। कोमल सिंह? हाँ जी हाँ, बताइए अब क्या मामला है। अब मामला ये है सर कि हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का वोट कठिन होना चाहिए, इसके वोट रखो उम्मीद होगी तब वोट देंगे, बाहर का वोट ना आ जाना चाहिए। परंतु ये उम्मीदवार है जो भीषम पाल एक ऐसा है कि बाहर की गांव की जरूरत ना है, फिर गांव को उनको सीधो ठगत हुआ। जी आपका परिचय? करणपाल सिंह गाँव है मेरा, पिताजी राम श्रीनिवास है और मैं गाँव का रहने वाला हूँ इसी गाँव का। जी आप? हाँ जी, हमारा कहना यह है कि आज जो प्राथमिक विद्यालय बोर्ड को लेकर के घमासान जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? हमारा ये कहना है साहब, हमारी वोटर लिस्ट में हमारे घर से बच्चों के और हमारे फैमिली के सारे वोट कटवा दिए गए, कभी लगभग 160 वोट वोट लिस्ट से गायब कर दिए गए और साहब 130 वोट करीब बाहर के लोग जो हमारे गांव के नहीं है, जिला फिरोजाबाद के भी हैं और जिला एटा के दूर दूर के लोग रहे हैं, उनके नाम यहाँ बढ़ा दिए गए और उनमें हमने साक्षी दिए हैं जो हमारी मीटिंग चल रही है उसमें। आपका परिचय? बचन सिंह। पिता का नाम? हाकम सिंह। किस गांव से है? बढ़ेरा से। जी आज जो प्राथमिक विद्यालय बढ़ेरा में जो सूची को लेकर के जो घमासान चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? हमारे साथ 160 वोट काट दे गए, रिश्तेदार के बढ़ावा दे गए। जी कुछ गांव के लोग हैं जो रह रहे हैं और वोट नहीं है? हाँ, 160 वोट नहीं है गाँव में। गाँव से इतना के? अच्छा अच्छा। क्षेत्रपाल सिंह नाम है, ढेकी गांव है, कोमल सिंह का लड़का हूँ। पिताजी सुनाओ, कोमल सिंह जी आज जो यहाँ प्राथमिक विद्यालय बढ़ेरा में जो आज 5 सदस्यों की टीम के द्वारा जो जांच की जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि यहाँ का भीषमपाल प्रधान था जी, फर्जी कटवाए कुटुब के जफारे के रिश्तेदारों के लड़कियों के अपने लगेज वालों के अपने घर वालों के इनके वोट बना बना करके इसने, और 130 वोट 135 या 150 के लमसम 130 के लमसम बीच में वोट बाहर के बनवाए गए और यहाँ के वोट और कुछ नाबालिग जो 10-10 साल के उनके वोट बना लिए गए और जिनके जनता की सेवा करेगा उसे तो स्वयं उसका रिजल्ट मिलना है। अब कुछ लोग हैं जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट बना में गड़बड़ करा के लगातार पूरे 5 साल जनता से दूर रहते हैं, वो सिर्फ 420 के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे लोगों का समय खत्म हो चुका है, हमारा जमाना बहुत फॉरवर्ड है, लोग शिक्षित हैं, इससे 20 साल पहले जो होता था वो अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके धन्यवाद। परिचय? मैं मनोज कुमार बीएलओ बढ़ेरा पंचायत। आप किस पोस्ट पर हैं? मैं प्रधानाध्यापक। किस गांव में? प्राथमिक विद्यालय बादमपुर जी। यहां पर किस पोस्ट पर थे? बीएलओ हूं वर्तमान में।
किस जगह बड़ेरा पंचायत में जी। क्या रहा मामला ये पूरा? मामला बिल्कुल ठीक रहा, जो जितना जिस साक्षियों के हिसाब से हमने सारे वोट बनाए परिवारों में जाकर प्रति घर जाकर जी। हाँ, दावा आपत्ति आए, साक्ष्य मिलते हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों का आरोप है कि बिना साक्षियों के भी वोट बढ़ा दिए गए, इस पर आपका क्या कहना है? वो लोग कोई आरोप किसी पर ला सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ग्राम पंचायत में आज वोटर लिस्ट को लेकर जो घमासान चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसकी अभी प्राइमरी स्कूल पर जांच जा रही है जी, जो सही होगा वो करेंगे जी। आपका पर्चा कैलाशन पांडे राजेश नीचे बेटा। आपके साथ में कितने लोग उपस्थित हैं? हमारे साथ में हमारी टीम की मैं बीएलओ की पांच आदमी हूं। पांच लोग हैं जी। तो बीएलओ जो जो अपनी कार्यप्रणाली जो दिखाई है उसमें कितना संतुष्टि नजर आ रही है? अभी जांच जारी है, जांच हो जाएगी तब कुछ कहा जा सकता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।